फिलहाल रूम तो मिला नहीं है, बहुत ढूंढे। रूम का स्ट्रक्चर बाहर से देखने से बहुत खतरनाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद वही सब पुराना पुराना टाइप का लग रहा है। नहीं, नहीं नहीं, इधर ही रहना, नहीं कहीं नहीं जाना है। तो वो सब रूम हमको यहाँ पे नज़दीक का देखते हैं। यहाँ पे राज पैलेस है, हाँ राज होटल, राज पैलेस, यहाँ बिग बॉस है, ये सब होटल है। बाहर से देखने से तो बहुत खतरनाक लगता है, देखने में लगता है वाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर में जाके पूछते हैं। इसमें तो पूछे नहीं है प्राइस कितना है, जाके पूछ लेते हैं। पूछने के बाद ही होटल बुक करेंगे, अब बुक करने के बाद जाके घूमेंगे, ठीक है, यही ठीक रहेगा। नहीं तो रात में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, होटल बुक करने में भी ज़्यादा रुपया ले लेगा, बोलेगा रूम अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते। अभी लगभग दीघा में हम लोग पूरा दीघा के पास, बीच के पास आ गए हैं, बीच के पास ही ये सब होटल है। ये तो रेस्टोरेंट है, ये देखते हैं। पैलेस क्या होता है, ये भी तो है, पूछते हैं। होटल अवेलेबल है, मतलब रूम अवेलेबल है? रूम हाँ तो है अवेलेबल। कितना पड़ेगा प्राइस? दो आदमी है। तो फिलहाल हम लोग लिफ्ट में चल गए हैं, भैया जा रहे हैं रूम दिखाने के लिए, बोले हैं पहले रूम देख लीजिए, उसके हिसाब से देखा जाएगा प्राइस कितना है नहीं है, नहीं तो पहले ही हम लौट के चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा साइकोलॉजी काम करता है कि पहले रूम देख लीजिए। रूम देखने के बाद क्या होता है ना, मन में सेट हो जाता है अच्छा रूम है, चाहे कितना भी प्राइस हो ले लेते। इधर देख लीजिए। अभी रूम में जा रहे हैं, देखते हैं रूम का क्वालिटी कैसा है। देखने से तो अच्छा लग रहा है, अंदर में भी अच्छा ही होगा। वाओ, लाइट्स लाइए भैया, क्या बात, डिजाइन वगैरह सब अच्छा है। प्राइस बोल देते तो अच्छा रहता, रूम का क्वालिटी अच्छा है मेरे हिसाब से। प्राइस वगैरह सब बोल देते तो हम इधर थोड़ा सा बोल देते हैं ना वीडियो में। कितना प्राइस पड़ेगा? प्राइस तो नीचे पड़ेगा, नीचे में एसी है। हाँ हाँ जाते हैं, अगर रूम मुझे प्राइस के हिसाब से ठीक लगेगा तो हम एसी रूम में ठहरेंगे, ठीक है। वैसे ठीक है यार, और क्या चाहिए। हाँ छोटा बालकनी भी है उधर से, हाँ इधर बालकनी है, दिखा देते बालकनी। इसका नाम बिग बॉस है ना, होटल बिग बॉस है, राज प्लेस। अच्छा होटल राज प्लेस, ये हमारा होटल राज प्लेस रहा, इधर सब भी होटल है। लेकिन यहाँ से समुद्र तो दिखता नहीं है, इधर से उधर, हाँ वहाँ दिखाई दे रहा है तो, अरे दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो नहीं गिरेगा वो जो देख सकते हैं वो उधर जो सबसे खाली जगह जो है, रात रात टाइप का लग रहा है, यही सब समुद्र है। ये सब होटल ही है दीघा का, हर बार नया नया कुछ दिखा रहे हैं दीघा के बारे में। चलिए हम लोगों को बस रात में सोना है, गाड़ी नहीं मिल रही इस वजह से घूम लेना हम लोगों को। हाँ हाँ आप लोग वहीं इधर आसपास के ही है क्या? ये हम लोग को तो इधर ही, इधर ही घर है। काथी वगैरह सब, काथी सब जानते हैं, मोहनपुर जानते हैं हम लोग का, सात माइल इधर रहते हैं, सब उधर का ही यहाँ पे रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रूम अच्छा है, अब देखते हैं प्राइस भी अच्छा होना चाहिए ना, ये हो सकता है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है और सामने में लिफ्ट लगा हुआ है। जब कभी आप लोग इधर आते हैं दीघा में, राज प्लेस, क्या नाम है, राज प्लेस होटल राज प्लेस आ सकते हैं। चेक इन टाइम आप 8 बजे कर सकते हैं, चेकआउट टाइम 9:30 बजे है। चेकिंग 10 बजे, 10 बजे है, अगर 7 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 बजे भी कर सकता है, लेकिन नियम के हिसाब से 10 बजे से खाली रहेगा तो 6 बजे में हो जाएगा, 7 बजे हो जाएगा, अच्छा 4 बजे हो जाता है। हाँ बहुत
ये हमारा लिफ्ट व्यू है, सामने में देखा बीच, लिफ्ट में खड़े हम लोग। फोर्थ फ्लोर है क्या? ग्राउंड में आ गए। चलिए इधर खुलेगा। गांव में होटल बुक करने के लिए आपको एंट्री करना पड़ता है, तो देखिए हेमलता जी एंट्री कर रही है, मुझे भी करना पड़ेगा। इनका आधार कार्ड बैक साइड मिल नहीं रहा था, फ्रंट साइड मिला है, लेकिन बोथ साइड ज़रूरी रहता है। मेरा तो आधार कार्ड पास में ही था, हम दे दिए। सिग्नेचर यहाँ नाम लिखा ना, इधर सिग्नेचर कर, सामने इधर नहीं है। फुल एड्रेस, एड्रेस लिख दो, बासदेवपुर लिखो ना, इसमें ये लिख लीजिए, मोबाइल नंबर दोनों का नाम लिख लीजिए, एक मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिए। ठीक है, हो गया ना, और कुछ नहीं है। होटल राज प्लेस, वहाँ पे बैग है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। बोलिए आप अपना नंबर। मेरा नंबर 8920, कोई एक नंबर नहीं चलता। रुको चला के दे। आप देख सकते हैं, ये ठीक है। इसका आधार कार्ड का काम हो गया ना, हम लोग एंट्री कर दिए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। ये अपना प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है लिख दिए, सर्विस। हाँ, आज का डेट कितना? 25। सिग्नेचर अपना शॉर्ट। हाँ, थैंक यू। 1570 रुपये दीजिए। 1570 50। ठीक है। और 20 रुपये दीघा डेवलपमेंट टैक्स। ठीक है, दीघा डेवलपमेंट टैक्स 20 रुपीज लगता है। मिला क्या, 1600 ले ही लिए। नहीं, 20 रुपीज देना ही पड़ता है, पिछले बार भी दिए थे, पिछले बार जो होटल बुक किए थे। हाँ, अच्छा, ये वाला। हाँ, हम जानते हैं वो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रोक दो। कैश पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहिए। हैं, तो फिलहाल हम लोग रूम बुक कर लिए हैं और रूम बहुत ही अच्छा है, आपको इंटरनल व्यू दिखाई दिया है, और पास में समुद्र बीच है, क्या बोले, सी बीच है। बोलते बोलते कंफ्यूज हो गए, क्या बोले। मिक्स, फोर्थ फ्लोर था ना। फोर्थ फ्लोर पे है, लेकिन सामने समुद्र का तो मजा है। सामने ही तो है, वहाँ पे सामने तो है, सामने है, रूम से नहीं दिखता है। अब सुबह में दिख जाएगा, सुबह रुकेगा ना। हाँ, दो दिन रुकेगा ना। नहीं, हम लोग सुबह में चले जाएंगे, सुबह में चले, इसीलिए तो प्राइस कम में हो गए। हम लोग को रूम पहुँचाने जा रहे हैं, गाड़ी नहीं मिली की वजह से हम लोग को रूम लेना पड़ेगा। और रूम बहुत अच्छा है, लेने में भी अच्छा लगा। रूम 504। गाड़ी की तो अब तो नहीं मिलेगा ना, सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा। ठीक, कौन सा ऑफिस में काम करते हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं। किधर? काथी में ही। पीने का पानी तो मिलेगा इधर। वाव, GTPL। वो अंकल बोले ये बिस्लरी वाला पानी मिलेगा। अच्छा वाला पानी दे दीजिए, जो भी पानी होगा अच्छा वाला होना चाहिए। पैसा देना पड़ेगा, 20 रुपीज लगेगा ना। नहीं, 35।
कितना 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 लीटर कितना लीटर का कितना लीटर का ठीक है दे दीजिए वो एक्वागार्ड का तो पानी है ठीक है वो दे दीजिए 35% वाला हम कैश दे ठीक है खाना खाने में भी वो लग जाएगा खाना खाने में भी वही पानी पी लेंगे ऐसे तो ये भी पानी तो सही है एक्वागार्ड वाला वो गलत पानी थोड़े ना नहीं गलत नहीं है तो? पानी हम लोग ही पीते पानी अच्छा ठीक है वो दे दीजिए दे दीजिए आपका जो इच्छा दे दीजिए कम से कम खुद से देना चाहिए दीजिए वो पानी एक्वागार्ड वाला वाओ बैठ के बैठना मतलब हम लोग होटल के अंदर आ गए हैं देख सकते हैं होटल का व्यू क्या है हम लोग इधर बैठ कर के मस्ती मार रहे हैं ये बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है और बहुत ही गंदा कुछ दिखाई गंदा है बहुत अच्छा है भाई इसमें अच्छा से रील्स बना सकते हैं आप ये सब रूम का डिज़ाइन है लगता है मधुबनी पेंटिंग जैसा इधर टीवी चल रहा है कभी खुशी कभी गम चल रहा है क्या देखिए हेमलता जी बैठी है इधर बहुत अच्छा हमको चेयर मिला है हम इसका वीडियो शूट कर रहे राज पैलेस बेड का डिजाइन भी बहुत जबरदस्त है राउंडेड है फैन है एसी भी है ए, वो लोग बहुत टका मांग रहा था वो सब रूम में तो हम 500% में भी नहीं जाते 1200% मांग रहा था एकदम घटिया रूम था ठीक है भैया ये 10,000 था 10,000 10,000 का आप लोग ले लीजिए महंगा हाँ वीडियो शूट होता है तो वीडियो शूटिंग करते हैं कि हम लोग ब्लॉग भी बनाते हैं जॉब भी करते हैं फ्री टाइम में ब्लॉग बना लेते हैं इधर 25 दिसंबर था तो सोचे चलो घूम लेते हैं ब्लॉग भी बन जाएगा हैम्पी ब्लॉग से है आपका ये वीडियो उधर मिल जाएगा हैम्पी ब्लॉग्स मेरे चैनल हमारे चैनल का नाम हैम्पी ब्लॉग्स है आप यूट्यूब में जाकर के उसको सर्च करेंगे देखता हूं हम लोग भी ये भैया हम लोग को रूम सर्विस दे रहे हैं आपको मिल जाएगा उसको लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोग का सारा वीडियो आप देख सकते हैं हां ज्यादातर दीघा का वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं हैम्पी ब्लॉग से है आपका क्या नाम है चुंडी पायरा है संदीप पायरा चुंडी चुंडी चंडी पायरा पायरा तो आपका घर कहाँ पे उड़ीसा है वेस्ट बंगाल है उड़ीसा पश्चिम मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर उड़ीसा तो अलग स्टेट है ना पश्चिम मिदना पायरा मतलब बंगाल में ही पायरा है हम लोग के ही उधर पायरा है तो भैया भैया चंडी पायरा भैया हम लोग को रूम सर्विस दे रहे हैं बहुत ही अच्छा रूम है इस होटल का नाम है राज पैलेस यहाँ पे हर चीज़ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बेस्ट मतलब क्या बोले बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट प्राइस में सिर्फ नाइट को होल्ड करना है नाइट को होल्ड बहुत दिन तक थोड़े ना रहना था क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना है ऑफिस भी जाना था इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे कि इतना ज़्यादा प्राइस में हम क्यों रूम लें लेकिन कम प्राइस में 1500-1700 कोई ज़्यादा प्राइस में लगा तो ये होटल का रिव्यू था हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है ठीक है हैम्पी ब्लॉग्स है HEMPYBLOGS ठीक है मेरे चैनल का नाम HEMPYBLOGS हम लोग ये होटल का क्या रिव्यू कर दिए हैं तो अब मेन जो होटल का जो मतलब दीघा का जो बेस्ट चीज़ है ना होटल ही है यहाँ आने का मतलब है कि आपको होटल में स्टे करना होगा दूर से आ रहे हैं तो उसके लिए आपको होटल सर्च करना होगा तो ये वीडियो देखने से उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि हमको कहाँ जाना नहीं जाना कैसे बुक करना है कितना प्राइस लगेगा तो ये बेस्ट चीज़ आपको हो गया और जो चीज़ व्यू है समुद्र का वो चीज़ आपको तो देख ही लेंगे उसके लिए तो थोड़े ना कोई प्राइस देना पड़ता है होटल में रहने के लिए प्राइस देना पड़ता है ठीक देख सकते हैं हम लोग होटल में आकर के बहुत मस्ती कर रहे हैं अभी हम लोग फिलहाल ये बोल रहे थे घर चलिए हम लोग नहीं हमको घर में ही अच्छा लगता है और
गाड़ी नहीं मिलने की वजह से मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप होटल बुक कर देंगे तो इसको बोलेगी घर चलिए, अगर आप घर चले जाएंगे तो बोलेंगे होटल बुक नहीं कर सकते थे, होटल में कभी रहे नहीं है, होटल बुक करते कितना अच्छा वहाँ रहते रात भर वहाँ क्रिसमस डे देखते। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, इसी होटल का राज पैलेस का रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पे 10-11 बजे तक लास्ट फूड आपको मिल सकता है। अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो आप ऑर्डर कर दीजिए, वो खाना का कर रख देंगे। तो हम लोग अभी घूमे नहीं हैं बीच के पास, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। 10 बजे तक वैसे भी सब रूम में आ जाता है और दुकान भी बंद होने लगता है, तो अभी टाइम है। अभी फिलहाल कितना बज रहा है, कितना बज गया, 7:30। इधर इसमें दिखाई कहीं ना, इसमें 7:30 हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं घूमेंगे, 10 बजे तक तो घूमना ही है। उधर से आने वक्त, आने से पहले हम लोग बुक कर देंगे खाना, फिर आके सो जाएंगे, फिर सुबह चल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है और ये यहाँ का होटल है, होटल पैलेस का है। देख जैसा किसका काम है, देखिए हमेशा सर्व करती रहती है, हर जगह जाती थी यही सर्व करती, देख सकते हैं कितना खुश है सर्व करते हुए। बहुत खुश नहीं है क्या, क्या हो गया, वाह देखो लेग पीस अपना ले ली। देखिए वीडियो में अपना अच्छा बनने के लिए देखिए लेग पीस चेंज कर रहे, लेकिन बाद में हमको बोले कि लेग पीस मुझे दे दीजिए, वैसे कुछ नहीं है, शेयर करके खा लेती है ये, वाह हम भी मजाक किए, देखिए इसी को लेग पीस खिलाएंगे, पीस भी बहुत अच्छा है, दारुण टेस्ट, पता नहीं कैसा है लेकिन क्वालिटी से लग रहा है टेस्ट भी अच्छा होगा। हाँ अभी हम खाएंगे, गिम्बल के ये सब फायदा है, रख करके आराम से खाते रहे। आप लोग को दिखाते हैं, टेस्ट अच्छा है, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। इट्स डिनर टाइम, देखिए शर्मा के खा रहे हैं लेकिन हम नहीं शर्माते। चल गया खाना, खाने के बाद मिलते हैं। हम बता दी होटल का रूम खोलते हुए, बिकॉज देखिए चोर है क्या, अंदर जाओ जाओ जाओ, देखो इसको फोर्थ जाने दो जाने जाने This is the 504 and it's our room। लाइट आ गया, ये है हमारा रूम, ऊपर से टीवी चलेगा, टीवी
टीवी चल रहा है। पर मैं गीजर सब भी हूँ। गीजर के बारे पूछा नहीं? गीजर के लिए फोन करना पड़ेगा। मुझे इसलिए समझाया है कि